हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। भाई मैं हूँ अशोक गौड़ और एक छोटा सा प्लान बनाया है दोस्तों, दिल्ली से 300 से 400 किलोमीटर की दूरी का घूम के आने के 4 से 5 दिन में। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है तो सोचा कुछ जाना चाहिए पहाड़ों में, काफ़ी टाइम हो गया था गए हुए। तो फिलहाल सामान पैक हो चुका है, 3 बैग हैं, कुछ इधर सामान रखा हुआ है, कुछ कंबल्स हैं, कुछ गद्दे भी, नाश्ता पानी हो चुका है, हाथ धो चुके हैं, नाश्ता नहीं हुआ, नाश्ता भी करेंगे, सामान रखेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। टाइम हो चुका है 9:30 हो चुके हैं, तो उम्मीद है कि आधे घंटे निकल जाएंगे। तो चलिए इसको दिखाते हैं जर्नी को कैसे रहता सफ़र, आपका शेयर करते हैं। गर्मी बहुत ही ज़्यादा, पसीने हैं, गाड़ी मोड़ने में पसीने आ गए, हालत बहुत ख़राब है। उम्मीद है कि अच्छे निकल जाएंगे, कम से कम थोड़ी ठंडक तो मिले। तो सामान पैक हो चुका है, बंदे भी पैक होने वाले, बस चलो भाई। चलो बैठे, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, रोक रहे हो, रोक रहे हो, क्यों रो रहे हो, चप्पल नहीं पहन रखी। ठीक है मम्मी, ठीक है मम्मी, जा रहे हैं, ओके बाय कर दो, कुछ बाय कर दो, बाय। हाँ मन्नत हवेली कुरुक्षेत्र में, गर्मी भयंकर है, बहुत तेज गर्मी है, भयंकर। ठंडा है भाई, बहुत ज्यादा ठंडा है, ठंडा क्या, बहुत ठंडा है। भाई क्या मंगा रहा है फिर, विष्णु क्या लेगी तू, बर्गर भी दो, आलू पूरी। निरांश क्या खाना है, आलू पूरी। अच्छी क्या खाना है, आलू पूरी क्या होते हैं, आलू पूरी खाने में, ये आलू पूरी होता क्या है, आलू पूरी क्या होते हैं, आलू पूरी क्या होता है, अच्छा आलू पूरी। खाना आ चुका है जी, क्या बात है क्रिश, मजा आ गया, खाना खाओ यांच, खाना खाओ, चलो तो खाना फिनिश करते भाई, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और मजा आ रहा है भाई, खाना वाना खा लिया, खा पी के अब निकल लिए, गर्मी भयंकर, बाहर ना आग बरस रही है, धूप नहीं निकली हुई है। दोस्तों पहाड़ शुरू हो चुके हैं फाइनली, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा भाई, सामने देखो, दिलकश नज़ारा, दिलकश नज़ारा देख के खूबसूरत पेंटिंग है यार। तो सीन इस प्रकार है भाई कि पहली ट्रिप हो गई है हमारी खराब और गाड़ी हो गई खराब, गाड़ी कर दी हाथ खड़े, धुआं निकल रहा है आप देख सकते हो, पानी डाल तो सूख भी गया, धुआं निकल रहा है गाड़ी में से, सर्विस कराई है अभी 1 हफ्ता हुआ है, सर्विस करा के लेके आए थे, सारे इंजन और सब कुछ चेंज कराया था, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, इतनी गर्म हो गई है कि हीट हो गई है, गाड़ी बंद हो गई तो पानी गिर रहा था, वो भी पूरा सूख गया इंजन के ऊपर से। टाइम हो गया है 5 बज गए करीबन, देख भाई स्टोरी इस प्रकार है कि भाई गाड़ी हो गई बहुत ज़्यादा हीट, मैंने बहुत ज़्यादा रोकी नहीं, सिर्फ एक ही पॉइंट रोका था मैंने बीच में गाड़ी में, शायद इस वजह से सुबह से चल रही है, सुबह 10 बजे से निकले हुए हम लोग, इस वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है, शायद पानी भरने जा रहा हूँ, थोड़ा इंजन में मारूँगा, थोड़ा वेट करूँगा, देखो देखता हूँ उसके बाद क्या स्थिति बनती है, नहीं फिलहाल पहाड़ों में आके थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, मुश्किल में आ गए, सिचुएशन देखते हैं, पानी भरने जा रहा हूँ, वहाँ कहीं किसी ने बताया कि पानी है आगे, गाय माता जी भी खड़ी हुई है, और यहाँ कहाँ पानी है कहीं पर, फिलहाल देखते कैसे रहती हैं, कुछ जद्दोजहद वाली चीज़ चल रही थी दादाजी, कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना भाई, दोनों बॉटल भर लिए, पानी तो गंदा है लेकिन इंजन में डालना है, काम चल जाएगा।
मुंबई जब बहुत ठंडी हो जाएगी, क्योंकि पानी काफ़ी ठंडा है। बाकी देखते हैं पहुँच के कैसे रहते हैं। और भाई हम पानी डालेंगे यहाँ पर, पानी बह रहा है ना। अच्छा गंदा पहाड़ों पे से ये गंदा पानी, कोई नहीं यही गिरेंगे तो धुआं। कैसे बोल रही ये, कैसे हो रहा है तो वो डाल दो, पानी बिल्कुल उछल रहा है उसका, डाल दो ना। हां अब ये कितना हीट मार रही है, ऊपर मत डाल, ऊपर मत डाल, यहां पर डालना नीचे। खुद तो ठंडे हुए नहीं, जिन्हें ठंडे ही पहले करो, इन्हें ज्यादा गर्मी लग रही है। भाई एक बार और पानी भरना पड़ गया है, क्योंकि एक बार से काम नहीं चला है, कुछ ठंडा हुआ है। डर गया क्यों, डर गया पता नहीं, चल रहे हमने भरी ना बोला कोई पुकारी होगी, तो एक बार से काम नहीं चला तो सिर्फ एक बार वो भर ले। फिलहाल आ गए भाई पानी भरने, है ना, भरी होगी भाई बोतल, भरी होगी कोई नहीं। हालांकि इतना एडवेंचरस को सोचा भी नहीं था, 9 बजे पहुंचे, 10 बजे पहुंचे, पहुंचना मैटर करता, लेकिन पहुंच जाए, गाड़ी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जिस सिचुएशन में हम लोग अभी हैं, मतलब तो गाड़ी को यहाँ से लेके जाना अगर स्टार्ट नहीं हुई तो बड़ा मुसीबत हो जाएगी। हाँ। तो फिलहाल ये कि स्टार्ट हो जाए, हाँ अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाए, फिर वहाँ शायद दिखाएंगे किसी को, अगर जरूरत पड़ी तो किसी मैकेनिक को वहाँ दिखाएंगे, मारुति के सर्विस सेंटर भी दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ से निकल जाए बस, धीरे धीरे करके जाएंगे फिलहाल, अभी अगर स्टार्ट होती है तो 60 किलोमीटर यहाँ से भी डिस्टेंस बचा है भाई, तो बहुत कम डिस्टेंस तो नहीं है, बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन उम्मीद है कि हाँ स्टार्ट हो जानी चाहिए। सिर्फ हीटिंग ही हुई है फिलहाल, तो भी लग रहा है थोड़ी ठंडी हो जाए तो स्टार्ट करके देखेंगे, फिर देखते क्या रहता है। गाड़ी ने धोखा दिया, गाड़ी ने धोखा दे दिया भाई, मतलब हाँ। वो शायद एज हो गई है काफ़ी, 5-6 साल हो गई गाड़ी को, शायद ये भी कारण रहा हो शायद कि पहाड़ों पर इसने अपने हाथ खड़े कर दिए। फाइनली गाड़ी स्टार्ट हो गई है, निकल चुके हैं, कूलेंट बिल्कुल ख़त्म था गाड़ी से, कूलेंट डाल, मतलब कूलेंट तो नहीं मिला, पानी डाला फिलहाल उसी से, अब गाड़ी लग रहा है कि ठीक स्मूथली चले, ठंडा पानी डाला इंजन पे, इंजन ठंडा करा, 1.5 घंटे के लिए खड़ी रखी गाड़ी, फिलहाल तो गाड़ी हल्की भी चल रही है, काफ़ी फ़र्क लग रहा है, सही चल रही है, आवाज़ में भी थोड़ा वो है, और उम्मीद है सही चल रही है लास्ट तक। भाई हालत ख़राब कर दी गाड़ी ने तो हमारी, बार बार बंद हो रही है, डेढ़ घंटे सफर और रह गया है। तो दोस्तों बहुत बार रुक चुके हैं गाड़ी को लेकर, फिलहाल अभी सही चल रही है, और भाई दुखी कर दिया इस गाड़ी में, सुबह तक सही चली, शाम को पता नहीं अचानक क्या हुआ, और फिलहाल सिचुएशन इज ठीक ठाक है सब कुछ, और नज़ारा कुछ इस प्रकार है शाम को शिमला का। भाई साहब ये नज़ारा ना मतलब हद ही है, कमाल का नज़ारा है, पूरा शिमला शहर रोशनी में जगमगाए हुआ है, जैसे सितारे हैं जमीन पर उतरे, तारे फिल्म आई थी तारे जमीन पर, ठीक वैसा ही है तारे जमीन पर। तो भाइयों कल रात को तो मैं वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाया, क्योंकि भाई बहुत दुखी हो गए, गाड़ी ने बहुत परेशान करा, बार बार हीट हो जा रही थी गाड़ी, कारण क्या पता नहीं, कूलेंट भी पूरा था, इंजन भी पूरा है, या तो उसके जो रेडिएटर है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, देखेंगे उसको क्या है, लेकिन फिलहाल हम पहुँच गए थे रात को 11 बजे के आसपास, फिर हम लोग सो गए खाना बना खा के। फिलहाल आपको दिखाता हूँ मेरा रूम और बाहर का नज़ारा, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही प्यारा है। फिलहाल हमारा रूम ये है, रूम बहुत अच्छा रूम है, काफ़ी अच्छा रूम है, टीवी लगा हुआ सब कुछ पड़ी है, इसे कोचा सिंह घूम रहे बाहर, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है, बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है भाई, सामने घर एकदम बॉक्सेस में बने हुए हैं। तो फिलहाल ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ, आज का दिन आपको दिखाएंगे हम लोग क्या करते हैं, शुरू करेंगे आज के ब्लॉग। तो फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मिलते हैं नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।